हाय दोस्तों, वेलकम टू ऑटो केयर वर्ल्ड। हम चला रहे हैं टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट। अब देखिए, इसका रिव्यू बहुत जल्द वेबसाइट पे आने वाला है। आशा करता हूँ कि आपने ऑलरेडी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। आज मैं केबिन का थोड़ा सा आपको डिटेल देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ क्या कुछ मैक्स में फीचर एडिशन हुए हैं। दिस इज द की, नॉर्मल की है, नॉर्मल जैसा आपको नेक्सॉन ईवी में मिलता है, सेम स्क्रीन। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मोटा मोटा सेम है। यहाँ पे फीचर एडिशन हुआ है, क्रूज कंट्रोल आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स में मिल जाएगा। जो बड़ा चेंज है वो यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो गियर लीवर पोजिशनिंग है ये अब अलग हो गई है और ये काफ़ी अच्छा फीडबैक देता है। ऊपर डिजिटल डायल दिया गया है और ये एक क्लिक के साथ रोटेट होता है, तो मुझे ये फील बहुत अच्छा लग रहा है। राइट हैंड साइड पे आपको ऑब्वियसली तीन ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये भी नया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अब आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स में मिल जाएगा। नीचे ऑटो होल्ड का फंक्शनैलिटी दिया गया है। इसके साइड में ये जो देख रहे हैं ये है रीजनरेशन, लेवल ऑफ रीजनरेशन, मतलब जब आप स्लो डाउन करते हैं, ब्रेक सप्लाई करते हैं, तब कितने लेवल पे ये होता है ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, सेल्फ बैटरी चार्जिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत आप रिप्लेनिश कर सकते हो। इसके नीचे ये जो मिडल में आप देख रहे हैं ये है वायरलेस चार्जिंग का स्लॉट, यहाँ पे अपना फ़ोन डालिए और इट्स गुड टू गो, चार्ज होती रहेगी फ़ोन। केबिन के अंदर आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाएगा, जिसकी रीडिंग आप मेन स्क्रीन के टॉप कॉर्नर में AQI देख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साइड में रखा गया है एक लंबा स्लेट टाइप का, यहाँ पे आप अपनी चाबी रख सकते हैं। दूसरे बड़े चेंजेस में ये जो सीट है ये बिल्कुल नए कलर फैब्रिक में दिया गया है और यहाँ पे सीट वेंटिलेशन मिल जाएगा, जो मुझे लगता है गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा मददगार बन जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा और यहाँ पे इसके फंक्शनैलिटीज दिए गए हैं। थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ बटन में भी किए गए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा सनरूफ दिया गया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नेक्सॉन मैक्स ईवी मैक्स में बड़ा हो जाना चाहिए था। और एक चेंज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, ये एडिशन है। तीन लेवल ऑफ रीजनरेशन, जैसे मैं पहले बोल रहा था, मैं बटन दबा रहा हूँ, या लेवल 2, लेवल 1, या मैं कम्प्लीटली बंद कर सकता हूँ। रियर से थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी दिखती है केबिन, सिमिलर है पहले जैसे ही है। यहाँ पे एक फीचर एडिशन हुआ है, फीचर एडिशन में आपको अब रियर में AC वेंट्स मिल जाएंगे, जिसका ये मतलब होता है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे हैं पीछे सेम टाइप का कम्फर्ट मिल जाएगा। तो ये तो था एक क्विक लुक वॉक अराउंड नेक्सॉन ईवी मैक्स के केबिन का। कैसा लगा आपको वीडियो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जाते जाते एक बस टिप देना चाहता हूँ, क्या आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे, ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट करते थे? क्योंकि जो 10 लाख या 12 लाख की नेक्सॉन आती है उससे ये ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी ऑलमोस्ट लेवल ऑफ फिट एंड फिनिश और क्वालिटी के मामले में सिमिलर है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ मत भूलिए लाइक शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को करना सब्सक्राइब।